ये कहानी है इंसान के चर्बी को खाने वाले मॉन्स्टर की, जो कुछ ही पलों में मोटे इंसान की चर्बी को चूस कर उसे पतला बना देते हैं। इस अनोखी पावर के कारण शहर में क्या क्या कांड होते हैं, आइए आज की इस मूवी में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है और एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी सबसे ज्यादा हॉट डॉग खाने का कॉम्पिटिशन जीता है, जिसमे उसे इनाम के तौर पर $1,000 यानी की लगभग ₹80,000 का चेक मिला है। जीतने के बाद वो आदमी खुशी खुशी से अपने घर जाने के लिए जैसे ही कार में बैठता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई एक अनजान जीव प्रकट होता है और पर अटैक कर देता है। इसके बाद कार हिलने लगती है और उस आदमी का शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है और कुछ ही पलों में उसका शरीर किसी चूसे हुए आम की तरह हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डीन और सैम नाम के पुलिस ऑफिसर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वे तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल में उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का वजन 180 किलो से सीधा 40 किलो हो गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो चुके थे। अगले दिन भी इसी तरह का एक और केस सामने आता है, जिसमें एक्सरसाइज करते समय एक औरत को कोई पीछे से उसके सिर में मार कर बेहोश कर देता है और इसके बाद उसका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। इस बार भी मॉन्स्टर के द्वारा उस औरत का सारा फैट चूस लिया जाता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जब दोनों ऑफिसर वहां आकर बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें औरत के शरीर पर एक सक्शन मार्क दिखता है, जिसके द्वारा उसका सारा फैट चूसा गया था। वे लोग जब औरत के पर्सनल ट्रेनर से बात करने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें ट्रेनर के कमर पर भी उसी तरह का निशान दिखता है जैसा उस मरी हुई औरत के शरीर पर था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इस तरह का निशान होने के बावजूद भी ट्रेनर अभी तक कैसे है। इस बारे में पूछताछ करने पर ट्रेनर उन्हें एक रहस्यमयी स्पा के बारे में बताती है, जो दावा करते हैं कि वे अपने स्पा में बिना किसी डाइटिंग के आसानी से लोगों का वेट कम कर सकते हैं और ट्रेनर के शरीर पर वो निशान भी उसी स्पा में जाने पर आया था। ट्रेनर से ये जानकारी मिलने के बाद वे दोनों तुरंत ही उस स्पा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पा में किसी को उन पर शक न हो, इसलिए वे लोग खुद को पर्सनल ट्रेनर बताते हैं, जो अपने लिए नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। जब वे दोनों स्पा में जाते हैं तो लैरी और मरीजा, जो कि उस स्पा के मालिक थे, वे लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही ट्रेनर के लिए जगह खाली थी, इसलिए सैम को ट्रेनर की पोजीशन दी जाती है और डीन को खाना बनाने के काम पर रखा जाता है। इसके बाद किचन में काम करने के दौरान डीन को जब भूख लगती है तो वो सामने रखी पुडिंग को खाने लगता है, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, इसलिए वो एक डिब्बे को चुपके से छुपाकर खा लेता है। लेकिन उस चीज को खाने के कुछ समय बाद डीन को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सैम जब लोगों को योगा सिखा रहा था, तभी वो देखता है कि हर किसी के पीठ पर भी उसी तरह का सक्शन मार्क बना हुआ है जैसा उन्होंने ट्रेनर की पीठ पर भी देखा था। इसी दौरान मरीजा अपने एक क्लाइंट के ऊपर कपिंग थेरेपी कर रही होती है और वो अपने क्लाइंट को बताती है कि ये चाइना की पारंपरिक तकनीक है, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने के साथ साथ फैट लॉस करने में भी मदद करती है, पर इस थेरेपी से इंसान की पीठ पर लाल निशान रह जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि ये कपिंग थेरेपी तो सिर्फ एक बहाना था, असल में निशान तो मरीजा के द्वारा चर्बी को खाने से बन रहा था। इसके बाद जब योगा क्लास खत्म होती है तो सैम को उसी के स्टेशन की एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जो कि सैम को जानती थी और वो भी बाकी लोगों की तरह अपनी कपिंग थेरेपी करने आई थी। इन दोनों की बातें सुनने के बाद लैरी को सैम पर शक हो जाता है। इसके बाद जब सैम किचन में जाता है तो वो देखता है कि डीन बेहोशी की हालत में नीचे गिरा हुआ है। उसके सामने पड़ी पुडिंग को देखकर सैम पुडिंग बनाने वाले शेफ के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन बावर्ची उसे कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए सैम उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है, जिससे बावर्ची एक ही झटके में सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि हर क्लाइंट को कपिंग थेरेपी से पहले ये पुडिंग दी जाती है और वो इसमें लैरी और मरीजा के कहने पर बेहोश होने वाली दवाई मिलाता है। ये जानने के बाद उन दोनों को लगता है कि शहर में हुए दो हादसों में लैरी और उसकी बीबी का ही हाथ है। यहाँ दूसरी तरफ लैरी और मरीजा को भी पता चल जाता है कि सैम और डीन दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। ये जानने के बाद लैरी और मरीजा अपने आप को बचाने के लिए सभी सबूत मिटाने लग जाते हैं। मरीजा जल्दी से जाकर फ्रिज से इंसानी चर्बी के डिब्बे को निकालकर कूड़े में फेंकने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ऐसे ही चर्बी को कूड़े में फेंकने से तो उसकी बर्बादी हो जाएगी, इसलिए चर्बी को बर्बाद होने से बचाने के लिए वो जैसे ही उसे खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है, लेकिन तभी सैम वहाँ आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद सैम उसे कुर्सी से बांधकर पूछताछ करने लगता है, जिसमें वो बताती है कि वो एक पिस्ताको है, यानी कि एक पेरुवियन फैट सकर। वो बताती है कि वो इंसानों का फैट चूस कर उनका वजन घटाने में मदद करती है और साथ ही चर्बी खाने से अपना पेट भी भर लेती है। शहर में हुए हादसों के बारे में पूछ कर वो बताती है कि उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा। पता चलता है कि इन हादसों का जिम्मेदार उसका भाई अलांजो है, जो अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अलांजो के कांड के बारे में पता चलने के बाद लैरी उसे तुरंत ही नौकरी से निकाल देता है और तुरंत ही वहां से निकल जाने को कहता है। इसके बाद जैसे ही सैम उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तभी किचन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तेजी से अंदर जाता है तो देखता है कि अलांजो लैरी को मारकर वहां से भाग गया है। जब मरीजा को पता चलता है कि उसके भाई ने लैरी को मार दिया है तो वो दुखी होकर रोने लगती है। वो बताती है कि वो और उसके पति ने कई सालों की मेहनत के बाद ये स्पा बनाया था, जिसमें वो बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए उसका वेट लॉस करने में मदद करते थे, जिससे उनकी भूख भी शांत हो जाती थी। इस कार्य में सभी का फायदा हो रहा था। दरअसल उनका सिद्धांत था
कहा कि वे उतना ही फैट खाएंगे जिससे इंसान को कोई नुकसान न हो। लेकिन उनका भाई अलांजो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था और इंसान का सारा फैट खा जाता था। ये देखकर उन्होंने अलांजो को किचन के काम में लगा दिया और उसे सिर्फ डिब्बे में रखे फैट को ही खाने दिया। लेकिन इससे भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने शहर के मोटे लोगों को मारना शुरू कर दिया। अलांजो को और भी मासूम लोगों को मारने से बचाने के लिए मरीजा उन दोनों को उसके सीक्रेट अड्डे का पता बताती है। इसके बाद दोनों ऑफिसर टॉर्च और हथियार के साथ उसके सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों अलग होकर अलांजो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी सैम के पीछे से अलांजो उस पर अटैक कर देता है और सैम को नीचे गिरा देता है। सैम अपने आप को बचाने के लिए चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी अलांजो उसे जमीन पर गिरा देता है और वो अपनी जीभ निकालकर जैसे ही सैम को मारने ही वाला था, तभी डीन वहां आकर उसकी जीभ को चाकू से काट देता है और सैम को बचा लेता है। जीभ के कट जाने के बाद अलांजो की भी वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि मरीजा भी एक मॉन्स्टर थी, लेकिन उसने आज तक किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वे लोग उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसी तरह की मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।